and the winner is Archduck. Congratulations, Archduck, News Channel of the Year Hindi. 19 सालों से खबरों की दुनिया का बादशाह आपका पसंदीदा चैनल आज तक फिर साबित हुआ है सर्वश्रेष्ठ। इस बार ENBA में आज तक को मिला है सबसे बेहतर हिंदी न्यूज चैनल का अवार्ड। India Today TV, the winner of the News Channel of the Year, English. साथ ही आज तक के सहयोगी चैनल इंडिया टुडे को अंग्रेजी के बेस्ट न्यूज चैनल का सम्मान दिया गया। आज तक का यहाँ ये अवार्ड जीतना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और ये बात कि आज तक एक लीडरशिप की गारंटी है अपने आप में ही खासियत है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू से टूडे दैट I am so proud that as a team, we have won all the big news channel awards, whether it's Hindi, English, or digital. And I think this puts us in a different league to other networks. It gives us a bilingual competitive advantage to understand India and Bharat for today and tomorrow in all platforms. Give it up for Supriya Prasad, Aaj Tak, the winner of the News Television Editor-in-Chief of the Year, Hindi. आज तक बेस्ट हिंदी चैनल बना तो आज तक के न्यूज डायरेक्टर सुप्रिय प्रसाद को एडिटर इन चीफ ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। मैं ENBA को जूरी को सबको बहुत ही हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत सोच विचार के मुझे अवार्ड दिया है। साल भी आज तक को हफ्ते दर हफ्ते नंबर वन रखना बहुत ही मुश्किल काम है और ये आज तक की एक डेडिकेटेड टीम है, एक जिनके DNA में ही आज तक है, जो दिन रात सिर्फ काम करना जानते हैं और उसी टीम की मेहनत के बदौलत मुझे आज ये अवार्ड मिला है। और इसी कारण से आज पिछले 80 हफ्ते से लगातार आज तक नंबर वन बना हुआ है, जो देश का एकलौता निश्चित चैनल है। ENBA अवार्ड की ये शाम मानो आज तक के नाम ही थी। एक बार जब अवार्ड जीतने का सिलसिला शुरू हुआ तो फेहरिस्त लंबी होती चली गई। अंजना ओम कश्यप आज तक। ज्वलंत मुद्दों पर बेबाक बहस पेश करने वाली अंजना ओम कश्यप को बेस्ट एंकर का अवार्ड मिला। साथ में अंजना को बेस्ट एंकर ऑन डिजिटल न्यूज चैनल हिंदी का भी खिताब मिला। डिबेट शो दंगल के एंकर रोहित सरदाना को भी हिंदी के बेस्ट एंकर का अवार्ड मिला। रोहित सरदाना को बेस्ट कंटिन्यूइंग कवरेज और बेस्ट स्पॉट न्यूज रिपोर्टिंग का भी पुरस्कार मिला। The winner is Shweta Singh, आज तक। आज तक की तेज तर्रार एंकर श्वेता सिंह को पुलवामा आतंकी हमले पर लगातार कवरेज के लिए तो ENBA अवार्ड मिला ही, साथ ही कुंभ मेले की कवरेज के लिए बेस्ट स्पॉट न्यूज रिपोर्टिंग का भी अवार्ड मिला। The winner is आज तक। श्वेता सिंह के शो श्वेत पत्र को बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम और सीधी बात को बेस्ट टॉक शो का अवार्ड भी दिया गया। ENBA अवार्ड में आज तक के प्राइम टाइम शोज ने भी परचम लहरा दिया। हर खबरों से आपको खबरदार करने वाले प्राइम टाइम बुलेटिन खबरदार को हिंदी के बेस्ट प्राइम टाइम शो और बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोग्राम का अवार्ड मिला। दिन की बड़ी खबरों को खास तरीके से पेश करने वाले शो स्पेशल रिपोर्ट को भी हिंदी का बेस्ट प्राइम टाइम शो चुना गया। सामाजिक मुद्दों पर भी सबसे बेहतरीन कवरेज का अवार्ड भी आज तक के ही खाते में आया। उन्नाव रेप कांड पर कवरेज के लिए यह अवार्ड मिला। इसके अलावा बेस्ट कवरेज का एंटरटेनमेंट हिंदी कैटेगरी का अवार्ड आज तक के लोकप्रिय प्रोग्राम साहित्य आज तक को दिया गया। आज तक के नवीन कुमार को बेस्ट प्रोड्यूसर चुना गया। नवीन बिष्ट को बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का अवार्ड मिला।
आज तक ने तो ईएनबी अवार्ड के झंडे गाड़े ही, सहयोगी चैनल इंडिया टुडे का भी जलवा रहा। इंडिया टुडे के राजदीप सरदेसाई को लाइफ टाइम अवार्ड से नवाजा गया। ईएनबी अवार्ड के मौके पर एक्सचेंज फॉर मीडिया के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ अनुराग बत्रा का कहना था कि अवार्ड का क्राइटेरिया सिर्फ टीआरपी नहीं बल्कि विश्वसनीयता भी रही है। जो विनर्स हैं वो ट्रूली रिफ्लेक्ट करते हैं कि मार्केट प्लेस में क्या हो रहा है, न्यूज सिस्टम में क्या हो रहा है। और मैं कहूँगा इस साल हमने बहुत सिर्फ रेटिंग नहीं देखी, क्रेडिबिलिटी, बैलेंस, जो न्यूज़ में होना चाहिए और कहीं कम हो गया है उसको भी देख करके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे अवार्ड्स हुए। इंडिया टुडे ग्रुप के डिजिटल प्लेटफॉर्म ललन टॉप को 2 और न्यूज तक को 1 अवार्ड मिला। कुल मिलाकर इंडिया टुडे ग्रुप ने इस बार रिकॉर्ड 48 अवार्ड जीते। नोएडा से ईशा गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।